नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेल तक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी के इसके लिए एक अभी नोटिस जारी हुआ है, जो इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है, जो एग्जाम इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है, यानी के निर्देश दिए गए हैं एग्जाम के बारे में। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस भर्ती। तो उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए पुनः आयोजन, ये दिया गया है। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा के जनपद में आवंटन की अग्रिम सूचना, इसके लिए नोटिस आया है। बात करते हैं नोटिस के बारे में। तो नोटिस क्या कहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संख्या विज्ञापन 23/12/2023 को अनुक्रमित लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 67 जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 23, 24, 25 और 30/31 अगस्त को 10 से 12 और 3 से 5 आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दो पालियों में होगी, यह परीक्षा दो पालियां होंगी, इनकी दो शिफ्ट इसकी होगी। तो इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, इस पर आपको नोटिस मिलेगा। और आपका जो एग्जाम सिटी है वो 16/8/2024 को आप 5 बजे यानी के शाम 5 बजे आप इसको अपना सिटी और ये एग्जाम डेट चेक कर सकते हो। तो ये कब आएगी, 16/8 यानी कि कल 5 बजे शाम को ये आपकी इस वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। निर्देश भर्ती विज्ञापन दिनांक 23/12/2023 को भी पढ़ें, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि यह आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती आवंटित 2023 भर्ती के लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। जो आपको दिया जाएगा कल, ये प्रवेश पत्र नहीं है। प्रवेश पत्र आपका एग्जाम से हो सकता है 2 दिन या 3 दिन पहले आपको जारी करा जा, ये सिर्फ परीक्षा केंद्र के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, आरक्षित नागरिक पुलिस भर्ती के पदों पर दो यानी कि ये भर्ती के बारे में बताया गया है। तो इसमें का एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड के बारे में क्या बताया गया है, तो एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया कि अभ्यर्थी की परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के 3 दिन पूर्व यानी कि 3 दिन पूर्व आपकी परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। तो यदि आपका पेपर 23 अगस्त को पड़ता है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 20 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। यदि आपका 31 अगस्त का है तो आपको ये 28 के आसपास आपको दे दिया जाएगा एडमिट कार्ड। तो ये एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा गया है कि लिखित परीक्षा शहर की सूचना पर्ची को डाउनलोड करे और जांचने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर इस नंबर पर कांटेक्ट करे। यानी कि यदि आपके जो परीक्षा के लिए जो एग्जाम सीटी आएगी या उसमें डाउनलोड करने में या शहर डाउनलोड करने में जो सीटी आएगी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ये ऑफिशियल नंबर है इनका। पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि नवीनतम अपडेट व अग्रेषित महत्वपूर्ण निर्देश, यानी कि जो भी न्यू अपडेट होगी या कोई भी आपका नोटिस आता है तो आप किसी अन्य वेबसाइट पर ना देखें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की UPPRPB की वेबसाइट पर ही देखें, क्योंकि उस पर ही आपको ऑथेंटिक और एकदम से करेक्टली बिल्कुल जो नोटिस है वो UPPRPB की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा, आप वहां से देखिए, बाकी फेक वेबसाइट और अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर न देखिए, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये इतना इसमें 6 इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसमें आपको जो एग्जाम सिटी है वो कल 16 तारीख में 5 PM के आसपास आपको ये मिलेगा, यानी कि कल 5 बजे।
और जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपको दिया जाएगा। और ये जो आपको नोटिस दिया गया है इसमें आपका जो एग्ज़ाम सीटी डाउनलोड होगा और आपकी एग्ज़ाम डेट डाउनलोड होगी, ये कोई एडमिट कार्ड नहीं है। तो एडमिट कार्ड के लिए अभी आपको वेट करना होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।